इस न्यूली लॉन्च म्यूचुअल फंड ने पिछले 7 दिनों में 8% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जो प्योरली कवर करता है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सभी स्टॉक्स, जहां मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स के कारण भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पिछले 5 वर्षों से 55% के CAGR से तेजी से ग्रो हो रही है। और भारत न केवल अपने ओन कंजम्पशन के लिए बल्कि 85 से ज्यादा देशों में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करता है। आज भारत US, चाइना, रशिया के बाद हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाला 4th सबसे बड़ा देश है। साथ ही पिछले 10 वर्षों में गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पर बजट एलोकेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के बजट में जो डिफेंस एलोकेशन 2.29 लाख करोड़ रुपीस था, वो 2024 के इंटरिम बजट में 3 times से बढ़कर 6,20,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचा है। और एक्सपेक्टेड है कि इस तेजी से ये 2028 के यूनियन बजट में 10 लाख करोड़ रुपीस के फिगर को क्रॉस कर देगा, जिस वजह से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आगे मेजर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक तरफ HAL, माजगांव डॉक, BEML, कोचिन शिपयार्ड्स की शेयर्स 5,000 रुपीस के रेंज में है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में वो सारे डिफेंस कंपनीज की शेयर्स कवर होने के कारण 1,000 से 2,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है।